क्लास टेंथ, जय श्री राधे। अभी तक हम 5.1, 5.2 आपको समझा चुके हैं, या यूं कहूं कि आज मैं आपके साथ फिर एक नई एक्सरसाइज को लेकर आया हूं 5.3। आशा करता हूं कि आपने 5.1 और 5.2 भलेबाजी कर ली होंगी। यदि आपको उन एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है, आप उस पर सेंड कर सकते हैं मैसेज, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी 5.3, यहां पर सम निकालेंगे। जैसा कि हमने 5.2 में nth टर्म वाले फॉर्मूले से फर्स्ट टर्म निकाला, 54th टर्म निकाला, जो भी टर्म पूछ रहे थे वो टर्म निकाल रहे थे, फॉर्मूला यूज किया था हमने, a n = a + n - 1 d। और यदि वो टर्म थे उनको हमने कुछ इस तरह से नोट किया था, a1 a2 a3 an तक कोई क्या थी हमारी एक ap थी। ap को हम कब कह रहे थे, when it have a common difference। तो a1 को क्या ले सकता हूं, फर्स्ट टर्म को a बोल रहे थे, a2 क्या ले सकता हूं, मैं a + d ले सकता हूं ना, समझाएगा, a3 को a + 2d, ये इसी तरह से लिखे। तो nth टर्म को क्या ले सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर है बात। अच्छा मुझे निकालना है सम, सम निकालने के लिए क्या करूं, इन सब को तो ऐड कर दूं, मैंने ऐड किया, तो इसको एक सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2an माइनस 1 इनटू d, किसी भी टर्म का सम निकालने के लिए। और यदि हमें केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और उस कंडीशन में हम सम निकाल रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है सम n अपॉन 2 a प्लस लास्ट टर्म, a प्लस an या फिर a प्लस l भी लिखा हुआ यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब हमको इस एक्सरसाइज में इन दो फॉर्मूलों को बेसिकली यूज करना है, और तीसरा फॉर्मूला यूज में आएगा वो an इज इक्वल टू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी ग्रुप का एक एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12। वो एग्जांपल नंबर 12 वो कह रहा है कि आपको सम गिवन है, s 14 गिवन है, कितना 1050, क्लियर है, फर्स्ट टर्म गिवन है कितना a10, और हमारा a20 निकालना है। तो सोच लो कैसे निकालेंगे, अब वो गिवन क्या क्या है, s 14। अच्छा s 14 गिवन है ना, सम ऑफ 14 टर्म, एस क्या लिखा रहता है, एन, एन क्या क्या लिख रहा है 14, तो एक चीज और गिवन है यहां पर मुझे, एन की वैल्यू गिवन है कितनी 14, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा मुझे एस 14 गिवन है, ए गिवन है, एन गिवन है, मतलब एस 14 गिवन है, एन गिवन है, ए गिवन है, क्या गिवन नहीं है, एन गिवन है, क्या गिवन नहीं है, डी, तो डी निकाल सकता हूं यहां से मैं। यदि मैं इन तीनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देगा, कौन वाले फॉर्मूले में, एस 14 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, मतलब 14 अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, 2a, एग्री फॉर्मूले 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 10 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 14 माइनस 1 क्या हुआ 30 इंटू डी। यहां से यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पे एस 14 की जगह हमें गिवन है कितना लिखना है 1050 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 कितना आएगा 7, बात समझ में आती है, 20 प्लस 13 डी, और यहां से मैं डी की वैल्यू निकालू तो मेरी डी की वैल्यू आती है 10, क्लियर है बात। अच्छा ये d की वैल्यू आ गई है ना, अब क्या निकालना है आपको, a20 के लिए a20 निकालना है आपको, बहुत बड़ा ध्यान देना, a20 निकालना है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी, an होता है ना, n की वैल्यू कितनी होगी 20, a की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी है 10, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, nth वाला, a20 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी पता है, a पता है, n पता है,
तो ए ट्वेंटी निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से ए ट्वेंटी निकालेंगे तो ए ट्वेंटी की वैल्यू आएगी वो 1000 या 100 अप्रोक्स कुछ ऐसी आएगी। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमारी 200 वैल्यू है। यहाँ से हम निकालते हैं तो ए ट्वेंटी हमारा निकल के आएगा 200। ठीक है, बात समझ में आ रही। इस तरह से हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, फैमिली के हमने दो एग्जांपल और लिए। ठीक है, एग्जांपल नंबर 40 और एग्जांपल नंबर 50। तो एग्जांपल नंबर 40 क्या कह रहा है? वो 40 कह रहा है कि आप सम निकालिए 1000 टर्म का, पॉजिटिव टर्म का। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहां तक? 1000 तक। और इन सब को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आप ऐड करने बैठेंगे 1+2, 3, 3+2 सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है। सम कितने का टर्म का निकालना है? 1000 टर्म का। तो हमें सम निकालना है 1000 टर्म का। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? दूसरी बात है 1000 अपॉन 2 1000 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं फर्स्ट टर्म क्या है? ये क्या होता है फर्स्ट टर्म? 1 से लेके 1000 तक फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं आपसे पूछूं n की वैल्यू क्या है? 1000 माइनस 1 कर दूं। d क्या है? d इज अ डिफरेंस। 1 2 3 4 5 6 चल रहे, डिफरेंस कितना आएगा? 2 माइनस 1 1। डिफरेंस नहीं हमारा। अच्छा, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा कितने? 500। यहाँ पे आ गया 500। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे माइनस करेंगे 999 × 1, 2 × 999। तो इसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं? इससे आप सॉल्व कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपका, 50 = 500500। ये इसका सॉल्व करके देखिएगा, इसलिए सॉल्व हो जाएगा। ऐसा हमारा ये आ गया आंसर। अच्छा, इसको हमने इस फॉर्मूले से क्यों किया ही है? हम इसको दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते थे। कौन से वाले से? एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू। अच्छा, एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस लगाना भूल गए थे, ध्यान रखिएगा। एल ए प्लस एल, क्योंकि यहां हमको फर्स्ट टर्म भी मालूम है 1, लास्ट टर्म है हमारा 1000। इजीली इससे भी हो जाएगा, कोई सा भी लगा सकते हैं जो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 15 देखें। एग्जांपल नंबर 15 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म। 24 टर्म का सम निकालना है कब? ये कंडीशन दी हुई है और कुछ भी गिवन नहीं। अच्छा, एक चीज गिवन है, 24 टर्म का सम निकालना है ना, मतलब एस 40 निकालना है। तो n इक्वल टू क्या हो गया? 14। बात समझ में आती है? आहा, समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। यदि ये दे रखा है, तो यदि मैं आपसे कहूं n इक्वल टू 1, n की जगह 1 रखूं तो क्या निकल के आएगा? a1 निकल के आएगा। तो a1 इक्वल टू 3+2 × 1 इक्वल टू 3+2 5। 5 क्या होता है मेरा? फर्स्ट। इसी तरह से क्या मैं 8 2 निकाल सकता हूं? 3+2 × 2 4, 3+4 7 नहीं आ जाएगा, सॉरी 7। ये 7 आ गया ना, यहां एन के 2 रखेंगे, 2 2 4 4+3 7 सेकंड टर्म आ गया। अच्छा, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, मैं आपसे पूछूं डी कितना होगा? डी क्या होता है? a2 - a1 इक्वल टू a2 में से a1 को माइनस कर लो, 7 - 5 इक्वल टू 2। डी पता है, फर्स्ट टर्म पता है, n पता है, क्या s 14 नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला ही पता है आपको, क्या लगेगा?
S14 जानते हैं क्या होता है, SN is equal to N upon 2, 14 upon 2, ब्रैकेट में क्या आता है 2A, 2 multiply by A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 5, ठीक है, प्लस N minus 1, 14 minus 1 कितना होगा 13, into D, D कितना निकला 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके क्या निकालेंगे हम S14 टर्म। इस तरह से ये कुछ एग्जांपल है, कुछ एक्सरसाइज के एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने इसी एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन दिए आपके सामने, एक ये थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। एक्सरसाइज आप देखेंगे तो इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन वैसे हैं जो हमने अभी अभी एग्जांपल में सॉल्व किए। तो थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखें, ये कह रहा है डी इज इक्वल टू कितना है 5, डी इज इक्वल टू कितना है 5, एस 9 इक्वल टू कितना है, S9 equal to कितना है 75, find करना है A and, find करना है A and A9, ठीक है, तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान दें, S9 क्या रहेगा 75, formula रहेगा S9, Sn, n upon 2, n ये क्या है 9, ठीक है, 2a plus n minus 1 आता है ना, ये plus, क्या आता है n माइनस वन, n कितना है 9, 9 माइनस वन कितना हो जाएगा 8, ठीक है, इंटू आता है डी, इंटू डी, डी कितना दे रखा है 5, फॉर्मूला लगाना समझ में आया। यदि मैं इन सब को कैलकुलेट करता हूं, s9 जगह 75 रखती जो मुझे गिवन है, तो हम यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो मैंने a की वैल्यू कितनी निकाली 35/3 माइनस a आ गया, निकालना क्या a, तो a निकाल सकते हैं, ऐसे ए नाइन निकालना, ए नाइन मतलब ए एन, ए एन वाला फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, अरे ये बात समझे, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में लगाया तो भाई यहां वो ले जा, ए एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई 9, फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं, तो ए नाइन कैसे रहेगा, ए नाइन इक्वल टू माइनस आता है क्या ए, ए आता ए, ए क्या रहेगा माइनस 35/3 प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन कितना निकालना है 9, 9 माइनस वन इंटू डी, डी हमें दे रखा 5, इसको सॉल्व करके निकालते हैं तो आता है 85/3, आहा समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा आप इसको एक्सेल में करोगे, एक्सेल बहुत सिंपल है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जरा क्वेश्चन नंबर देखो, फर्स्ट देखो, वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ए पी, सम निकालना है, इजीली निकाल लोगे 2, 7, 12, 10 टर्म तक, 10 टर्म का सम निकालना होता है, n की वैल्यू क्या होगी 10, फर्स्ट टर्म पता है, d पता है, निकल जाएगा 7 माइनस 2 करके, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा d, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने बताया, मोस्टली सारे ऐसे ही हैं, तो यदि आपने 5.2 ढंग से करी है तो 5.3 में इतनी दिक्कत नहीं आनी, और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया, मैंने आपको बता रखी है एक व्यवस्था, क्या व्यवस्था है वो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप एक छोटा सा मैसेज भेजिए कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि S51 निकालिए, क्या निकालिए S51, हमें क्या गिवन है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है, अच्छा सेकंड टर्म जरा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टर्म गिवन है, फॉर्मूला हमने एक पढ़ा हुआ है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन ये क्या लिखा हुआ है ए टू, ए एन ये क्या लिखा हुआ है ए टू, तो ए टू कितना गिवन है 40, बहुत ध्यान देना, ए नहीं मालूम, एन एन ये कितना है 2, तो 2 माइनस वन कितना होगा 1 इंटू डी, 40 इज इक्वल टू ए प्लस डी, पहले भी निकाल चुके हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या हो, क्या बनी a plus d equal to 40, a plus d equal to 40, इसके अकॉर्डिंग निकालो तो क्या बनेगा a plus 2d, क्लियर है ना, बात समझ में आती है ना, हाँ, तो a plus 2d, a plus 2d is equal to 18 बन गया है, दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल a और d as a linear equation से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, कर दिए कट जाता है, कट गया सेम होने पर d और -2d कितने होंगे -d आएगा, सॉल्व करना आता
40 माइनस 18 माइनस के 4, माइनस से माइनस कर रहा जी, डी इक्वल टू कितना आ गया 4। अच्छा डी की वैल्यू यदि किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, यहां डी 4 है, 4 पुट करो, 4 हो जाएगा क्या होगा माइनस होगा ना, 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा यहां पर 10। ए इक्वल टू कितना आया 10। निकालना क्या है S15, S51 में ये बहुत अच्छा बना है, और अच्छा बना लू, S51 में n is equal to 51 होगा, a की वैल्यू 10 होगी, d की वैल्यू 4, ये सारी वैल्यू गिवन, तीन वैल्यू गिवन है, चौथी पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है, Sn is equal to n upon 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, n पता है, a पता है, n पता है, d पता है, Sn निकल जाएगा, निकाल सकते हैं, बहुत इजीली से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के ही कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं, आप पढ़ेंगे तो यहां से 15 से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और दे रखे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चनों की इसी तरह से एक भी बन जाएगी। मैं आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूं उसका ये कैसे हो रहा है, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 18 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि एक स्पाइरल है जिसमें दो पॉइंट है ए और बी, पहले बी से स्टार्टिंग हो रही है, जो सबसे पहली रेडियस है वो है 0.5, कितनी है 0.5। जब 0.5 रेडियस लेते रेडियस होती है तो ए एज अ सेंटर वर्क करता है, और हर बार 0.5 बढ़ेगी, जब दोबारा घूमेगा तो सेंटर फोर हो जाएगा बी और रेडियस हो जाएगी मेरी 1, जब दोबारा घूमेगा तो सेंटर कौन बनेगा ए, रेडियस हो जाएगी 1.5। जब ये दोबारा घूमता है तो अब कौन बनेगा सेंटर, ए बन चुका, अब बनेगा बी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक 1.5 से, हर बार ये बढ़ रही है, ये ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively, एक के बाद एक, पहले A फिर B फिर A फिर B, starting with a center A, A को सेंटर मान के हमको पहले स्टार्टिंग करनी है, of radius as shown in figure, what is the total length of such spiral made up of 13 successive, कब तक चल रहा है 13 तक, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे कहां चल रहा है 10, 13 तक, मैं इसको एक मानू तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 30, तो n बहुत प्यार से गिवन है 30। अच्छा एक बार में ये कितना चला, ये इतना चला एक बार में, इसको हम क्या बोलते हैं सेमी सर्किल। अच्छा यदि ये पूरा इस तरह से सर्किल होता तो ये कितना चलता, इस तरह का पूरा सर्किल होता है यहां पर कितना चलता है 2πr, सर्कमफेरेंस वाला सर्किल होती है पूरा होता, तो यदि मैं इसको हाफ कर देता हूं, आधा कर देता हूं, बिल्कुल आधा, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा 1, 2, 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा पाई आर, नहीं आती बात समझ में, तो एक बार में कितना चलेगा पाई इंटू जितनी उसकी रेडियस है, दूसरी बार में कितना चलेगा पाई जितनी उसकी रेडियस है, तो पहली बार में कितना चला मैं आपसे पूछ रहा हूं पाई आर, रेडियस कितनी है 0.5, बहुत बढ़िया पाई 0.5, ये पहली बार में चला, दूसरी बार में कितना चला पाई आर, दूसरी बार में रेडियस कितनी है 1 × 1 पाई कह दू या पाई कह दू बात तो एक ही है, तीसरी बार में कितना चला फिर पाई है, मतलब एक बार आधा चलने में तो पाई ना चलेगा ना जी, आधा चलने में तो ये पाई ना भी चलता है ना, तो लेके पाई, तीसरी बार रेडियस कितनी है, रेडियस हर बार बढ़ जाती है 1.5, फिर कितना हो गया पाई 2, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, ये इस तरह से यहां पर चलता जाता है, कब तक 13 तब तक। मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टर्म क्या है, आप कह देंगे बहुत प्यार से ये मेरी एक ही वैल्यू है,
a की वैल्यू क्या हो गई 5.05। ठीक है, मैं आपसे पूछूं n तो बताइए, मैं आपसे पूछूं d क्या है, d कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। यदि मैं पाई में से माइनस करता हूं किसको, पाई 0.5 को, तो क्या बचेगा, अरे सिंपल सी बात है भाई, एक पाई में से आधे पाई को माइनस करना है, 0.5 का मतलब क्या, आधा पाई, ये क्या है पूरा पाई, नहीं आएगा समझ में, तो क्या बचेगा आधा पाई, मतलब 0.5 पाई बचेंगे, करके देख लीजिए, ठीक है ना, आधा आधा बन रहा है ना, तो इतना पाई बचा। हमको d पता है, a पता है, n पता है, सम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2, Sn इक्वल टू n अपॉन 2, आगे आगे हमारा आता है ये, जरा ध्यान दो थोड़ा सा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या क्या पता है, सम निकालना है 13 ऐसे स्पाइरल का, जिसमें n की वैल्यू क्या है 13 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाई a, a की वैल्यू पूछो कितने क्या होती है, पाई 0.5 या 0.5 पाई, प्लस n की वैल्यू क्या है 13, 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, यहां d लिखना भूल गए फॉर्मूले में, बहुत बढ़िया, आहा तो 12 आया 13 माइनस 1 करके, 13 n है, n 13 माइनस 1 कितना होगा 12 इंटू डी, डी कितना करके आया मेरा 0.55। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे बहुत प्यार से, आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है, जो कैसे 0.5 पाई इसमें से आ जाएगा कॉमन, 2 प्लस 12 बचेगा 40 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, करके देखिए बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, यहां से हम एस 30 निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको तो केवल ये एपी बनानी है सारे क्वेश्चन में, यदि कंडीशन समझ में आ गई और ये एपी बन गई तो इसका मतलब क्वेश्चन हो गया, समझे, क्वेश्चन हो गया, तो इस एक्सरसाइज को करते रहिए, ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, यदि कोई दिक्कत होती है तो आपको मैं बता दूंगा, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।